बिहार सरकार की जय, जय जय बिहार सरकार की जय। हम एक ही विनती करते हैं बिहार सरकार से, और बिहार की जितने भी टीचर हैं, जो जो बिहार सीजीएल के तैयारी कराते थे, सभी एक्टिव होंगे और अपने अपने स्टूडेंट को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। और सभी स्टूडेंट से हम विनती करते हैं, हम बिहार सरकार से भी विनती करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बता दें कि शांतिपूर्वक रूप से हमें जो भी आंदोलन करना है या जो भी अपनी बातों को रखना है, किसी प्रकार के तोड़फाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। याद रखें, आप किसी चीज को नुकसान पहुंचा रहे तो आप उनका नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप अपना खुद नुकसान पहुंचा रहे। याद रखें, सरकार भी होती है ना, वह अपने पैसे से नहीं बनवाती है पुल नाला जो भी कुछ आप तोड़िएगा, तो गलती ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से आगे जो भी डिसाइड लिया जाएगा वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से करना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी ट्विटर का कैंपेन चल रहा है उन सभी में टीचर को यहाँ पे विनती है कि अपने अपने स्टूडेंट को वीडियो बना के एक्टिव करने की कोशिश करें। आप ये नहीं कि पढ़ाने में पढ़ा दिए, पैसा लेने में पैसा ले लिए और यहाँ पे जाके सो गए, यहाँ पे है ना कोई मतलब नहीं है। चाहे बिहार के बच्चे कितना भी परेशान नहीं, हम सभी टीचर से एक ही विनती करते हैं, भाई जितने भी टीचर हैं सभी एक्टिव हो जाइए और कोशिश कीजिए अपने अपने अकॉर्डिंग एक छोटा छोटा क्लिप बना के बच्चा को बोलिए कि हाँ सभी को साथ हो, ताकि बिहार गवर्नमेंट तक बात पहुंच पाए यहाँ पे। और हम सरकार से एक ही विनती करते हैं कि आप किस अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं या प्री प्लानिंग करते हैं, ताकि आपका पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी में पेपर लीक हो गया, अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, तो हमें ये चीज समझ में नहीं आता है कि आप अगर नहीं संभल पा रहा है तो उस चीज को छोड़ देना चाहिए, आप सिंपल बोलना चाहिए कि नहीं संभल पा रहा है, ठीक है। तो सरकार से हम एक ही विनती करते हैं कि आप थोड़ा सा उस बच्चा को भी देखिए, जिस बच्चा को क्या होता है पैसा नहीं होता है, फिर वो एक जगह से बहुत दूर दूर सेंटर होता है, ठीक है, वहां जाने के लिए बच्चा किसी से पैसा लेके जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और मालूम चलता है पेपर लीक हो जाता है तो क्या होता है, दर्द है ना। कभी उस बच्चे से पूछिए, ठीक है, कभी उस बच्चे से पूछिए। हम बिहार गवर्नमेंट से एक ही विनती करते हैं कि आप किस अकॉर्डिंग आप बिहार को चला रहे हैं, जो काफी सारे बच्चे परेशान है, आप देखिए हर वो सेक्टर परेशान है यहाँ पे, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे आए दिन सीटेट वाले बच्चे परेशान है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिहार के जितने भी सीजीएल के एग्जाम दिए, मेरे ख्याल से 9 लाख बच्चे लगभग बताया जा रहा है कि एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, और देखिए इतने सारे बच्चे परेशान है। तो प्लीज ऐसा मत क्या कीजिए, हम आपसे एक ही विनती करते हैं। और किसी प्रकार का जो गड़बड़ी होता है यहाँ पे, तो ये गड़बड़ी क्या आपको, आप हर चीज जानते हैं और फिर जान के भी आप अनजान बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा गलती मत कीजिए। और एक छोटा सा विनती यही था, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमें यही देना था आप सभी स्टूडेंट से, कि हमें जो भी कुछ करना है, ठीक है, एक्टिव होके करना है। और सभी का बात प्लीज देखिए, हम लोग प्यार से बोलते बिहार सरकार को, तो बिहार सरकार को भी विनती है कि मान लेना चाहिए और मानेगा ही बात, क्योंकि अभी इलेक्शन है। अगर नहीं मानेगा तो फिर तो भाई अपना दिखाई देना है आगे, है ना, तो मानना ही मानना है किसी भी कीमत में, है ना। 2024 बचा है, 2025 बचा है, तो बिहार सरकार मानेगा। हम धमकी नहीं दे रहे, हम पोलाइटली और बहुत ही रिस्पेक्ट करते, बहुत ही सम्मान करते हैं, और हमें हम आप सभी को बोलते हैं कि आप सभी भी सम्मान कीजिए, छोटा बच्चा चाहे बड़े बच्चा हो, ठीक है। तो ऐसा गलती ना करें ताकि किसी इंसान को दुख हो, आपकी ऐसा नीति ना बनावे, ऐसा प्लानिंग ना करें, ऐसा प्री प्लानिंग ना करें ताकि अगला आदमी आपसे परेशान हो, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा अगला आदमी का भी बात माने, यहाँ पे एक ने 1,000 और 1,00,000 आदमी आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे आप बिहार सरकार से हम ये भी विनती करते हैं, इनका बात को थोड़ा सा सुनिए, आप मेरा बातों को थोड़ा सा सुनिए, ठीक है। और आप एक बार सोचिए कि क्या ये गलत बोला है 1,00,000, और आप जो बोले क्या वो सही है, ऐसा कभी मत सोचिए। देखिए कहीं ना कहीं इतना आदमी बोल रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा ही बोल रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ही समझदार है, मगर क्या यहाँ पे आप सबको बेकूफ नजर आते। प्लीज थोड़ा सा उनको बात को मानिए और थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेके सोचिए और एग्जाम को थोड़ा सा कैंसिल करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, ठीक है। बस हम एक ही विनती करते हैं आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।